नवाज शरीफ तीन रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। अहलिया कलसूम नवाज और मुशीर ख्वाजा सरताज अजीज भी हमराह। गवर्नर रियाज समेत सऊदी हुकाम की जानब से पुरतपाक इस्तकबाल। अमरीका और इस्लामिक सरबरा अजलास में शिरकत करेंगे। माहिर कानून अकरम शेख भी वजीर आजम नवाज शरीफ के हमराह सऊदी अरब पहुंच गए। पैनामा केस में वजीर आजम के बच्चों के वकील थे, कतरी खत सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था। वो किस हैसियत से सऊदी अरब गए सरकारी तौर पर कुछ नहीं बताया गया। सऊदी अरब में सरबराह कॉन्फ्रेंस के साइडलाइन में वजीर आजम नवाज शरीफ की सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। अमरीकी चैनल फॉक्स न्यूज का दावा, मुलाकात के दौरान डॉक्टर शकील आफरीदी का मामला उठाने का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप आज खिताब करेंगे। अरब इस्लामिक अमरीका सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रियाज में शाह फैसल कन्वेंशन हॉल में आमद। शाह सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्तकबाल किया। कराची क्राइटेरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग पर 6 घंटे बाद भी काबू नहीं पाया जा सका। केएमसी की 6 नेवी के 2 फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। 3 ब्राउजर्स और 2 स्नार्कल्स भी मुतासर फैक्ट्री में पहुंचा दी गई। दो करोड़ से ज्यादा आबादी के शहर कायद में आग पर काबू पाने के इंतजाम न होने के बराबर। महकमे फायर ब्रिगेड के पास 48 फायर टेंडर्स में से सिर्फ 10 काबिल इस्तेमाल, ज्यादातर गाड़ियां खराब। आग पर काबू पाने के लिए फॉर्म भी दस्तियाब नहीं। सखर में पानी, बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी का धरना। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस्तकबालिया कैंप कायम। कारकुनान किनारेबाजी, मुजाहरे में खुर्शीद अहमद शाह, निसार खोड़ो, मंजूर बसान, नासिर हुसैन शाह और दीगर रहनुमा भी शरीक। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया में कारकुनान की गिरफ्तारी का मामला। शाह महमूद कुरैशी की FIA हेडक्वार्टर में आमद। सूरत हाल मालूम की, कहते हैं कारकुनान को हरासा और गिरफ्तार करने के मुतालिक मालूमात हासिल करने आया था। कराची के इलाके धराजी के करीब पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 2 अहलकार शहीद, 1 जख्मी। वजीर आला सिंध ने वाकई का नोटिस ले लिया। IG से रिपोर्ट तलब। सिंध पुलिस का मुलजमान की इतला देने वाले को 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। शहीद SI इफ्तखार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शेखुपुरा में मुस्लिम लीग काफ के जलसे की तैयारियां, पिंडाल से सज गया, कुर्सियां लगा दी गई और कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जारी। पठान के अब्दुल बरी खान यूनिवर्सिटी में जा बहक तालब इल्म मिशाल का सवाबी में चहलम। फातिहानी के लिए लोगों की आमद। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कब्र पर फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तायना। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद शहर भर के 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शुमाली कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा कर लिया। जनूबी कोरिया का दावा, मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर। जनूबी कोरिया के 9 मुंतखब सदर मून जे इन ने सिक्योरिटी का हंगामी इजलास तलब कर लिया। भारत का जंगी जनून है कि खत्म होने को नहीं आ रहा। इसराइल से मजीद 63 करोड़ डॉलर का असले की खरीदारी का मुआहिदा कर लिया।
जिसके तहत बहरिया के रे इसराइली साख्ता बराक एट मिसाइल खरीदे जाएंगे। प्रोफेशनल रेसलिंग का मेला कराची और लाहौर के बाद अब इस्लामाबाद में भी सजेगा। 20 ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 25 रेसलर्स आज लियाकत जिमनेजियम में रंग जमाएंगे। रेसलर टाइनी आयरन कहते हैं, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। रेसलर बादशाह बोले, ये इवेंट आवाम का इवेंट है। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में कामयाब आलमी मुकाबले हो सकते हैं। और बरतानवी शहजादी कैट मिडलटन ने अपनी बहन की शादी की तकरीब में अपने बच्चों को डांट पिला दी। नन्हे बच्चों को खाला के गाउन पर पांव रखने पर डांटा गया। वालिदा ने पहले तो आराम से समझाया, बाज न आने पर उन्हें सख्ती से समझाया। कैमरे की आंख ने ये मंजर महफूज कर लिया।